आम का पेड़। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अबू और रहमान दो पड़ोसी किसान थे। उन दोनों के खेत के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। पेड़ पके हुए आमों से लदा हुआ था। रहमान जब कुछ आम तोड़ने के लिए वहां पहुंचा तो अबू भी वहां आ गया। हे सुनो, इन्हें छूना भी मत। ये आम का पेड़ मेरा है, नीचे उतरो। पेड़ मेरा है? नहीं, ये मेरा है। मेरा है, मेरा है। इस बहस से कोई फायदा नहीं। हम बीरबल के दरबार में चलते हैं, वही इसका सही फैसला सुना सकते हैं। सही इंसाफ की उम्मीद में दोनों अपनी फरियाद लेकर बीरबल के दरबार में पहुंचे। कहो, तुम्हें क्या कहना है? हुजूर, मेरे खेत के किनारे आम का एक बड़ा सा पेड़ है। वो पेड़ हमेशा से ही मेरा रहा है। अब रहमान उस पेड़ को अपना बताने लगा है। हुजूर, वो पेड़ मेरा है। जब वो एक छोटा पौधा था तभी से मैं उसे पानी दे रहा हूँ। इसका यकीन मत करें, ये झूठ बोल रहा है। तुम दोनों अब घर जाओ, कल वापस तुम दोनों यहाँ पेश हो जाना। जैसे ही दोनों किसान वहां से गए, बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलवाया। दोनों किसानों के घरों पर जाओ और उनसे कहो कि कुछ चोर उनके पेड़ से आम चुरा रहे हैं। वो क्या करते हैं वो मुझे आकर बताना। वो आदमी पहले अबू के घर गया। हुजूर, कुछ लोग आम चुरा रहे हैं। हुजूर, मैं अभी कोई जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में जाकर देखूंगा। उसके बाद वो रहमान के घर गया। हुजूर, हुजूर, कुछ लोग आपका आम चुरा रहे हैं। ये सुनते ही रहमान एक डंडा लेकर खेत की तरफ भागा। उस आदमी ने तुरंत जाकर बीरबल को सारी बातें बताई। चल, एक सुराग तो मिला। अगले दिन बीरबल के दरबार में, पेड़ तुम दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। अब मुझे सच बताओ, पेड़ वाकई में किसका है? मेरा है, मेरा है। इस समस्या को सुलझाना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए हुक्म देता हूं कि आमों को तोड़कर तुम में बराबर बांट दिए जाएं। जहां तक पेड़ का सवाल है, उसे काट कर उसकी लकड़ियां तुम में बराबर बांट दी जाएंगी। अबू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आम के साथ साथ लकड़ियां भी मिल रही थीं, जबकि रहमान बहुत दुखी था। आपने सही फैसला सुनाया हुजूर। हुजूर, मैंने उस पेड़ को 10 सालों तक पानी और अपने प्यार से सींचा है। मैं उस पेड़ को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हुजूर। वो पेड़ आप अब्बू को ही दे दीजिए। तो अब मैं फैसला सुनाता हूँ, वो पेड़ रहमान का है। झूठे अबू को सजा दी जाएगी। हाँ? शुक्रिया हुजूर। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन